दोस्तों, देश किस तरफ जा रहा है, विकास की तरफ या पतन की तरफ, गवर्नमेंट क्या चाहती है ये शायद गवर्नमेंट ही बेहतर जानती है। एक माँ बाप ड्रीम देखता है कि वो अपने बेटे या बेटी को MBBS कराएगा, उसको एक MBBS डॉक्टर बनाएगा। बच्चे स्वयं से ड्रीम देखते हैं कि मैं MBBS करूँगा, मैं एक डॉक्टर बनूँगा। फिर क्या होता है, 12th कंप्लीट होता है, माँ बाप कर्ज लेकर जमीन को बेचकर बच्चों को कोटा, लखनऊ, कानपुर भेजते हैं ताकि बच्चे कोचिंग कर सकें और वो में कोई प्रॉब्लम ना हो जिससे उनको डॉक्टर बनने में कोई प्रॉब्लम हो। बच्चे भी खूब मेहनत करते हैं, सालों घर नहीं आते हैं, ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पूरा फोकस अपने नीट एग्ज़ाम की तैयारी पर करते हैं। एग्ज़ाम आता है, अच्छे से स्कोर करते हैं बच्चे, फिर क्या होता है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट और उनकी आंसर की में काफ़ी डिफरेंस आता है। जो बच्चे स्कोर करते हैं 600 प्लस उनके अकॉर्डिंग टू आंसर की, जब स्कोर कार्ड इशू होता है तो उनके मार्क्स 200, 300, 400। अब ये क्यों NTA कर रहा है, ये सोच से परे है। नीट 2021 ये NTA को मतलब पता ना कि शर्म आनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। सबसे पहले एग्जाम की डेट इशू हुई, पेपर से एक दिन पहले पेपर लीक का मैटर उठा, बच्चों को पेपर प्रोवाइड किया गया, बहुत सब रिक्वेस्ट की बट NTA ने डिनाई कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। खैर कोई बात नहीं, पेपर हो गया। जिस दिन पेपर हुआ उस दिन शाम से ही सॉल्वर गैंग्स का बारे में पता चला और एक दो नहीं 50 ऐसे बच्चे सामने आए जो सॉल्वर गैंग के संपर्क में थे। इवन UP गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया कि 25 बच्चे ऐसे हैं जो सॉल्वर गैंग के टच में हैं, उनके रिजल्ट होल्ड किए जाए, बट NTA ने ऐसा नहीं किया और सबके रिजल्ट पब्लिश किए। चलिए ये भी स्किप कर दीजिए, बट जिन बच्चों के एक्चुअल मार्क्स उनके आंसर की के अकॉर्डिंग 500, 600 या 650 प्लस थे, तो ऐसे बच्चों के मार्क्स स्कोर कार्ड इशू होने के बाद 200, 300 या 350 कैसे हुए। बहुत से बच्चे ऐसे जिनका इस बार 3rd अटैम्प्ट था, 4th अटैम्प्ट था और वो काफ़ी खुश थे क्योंकि एग्जाम अच्छा गया है, उनके मार्क्स 620 या 630 आ रहे हैं, बट रिजल्ट आया तो मार्क्स आए 250, 130 या कुछ बच्चों के मार्क्स तो इवन 0 भी आए। यहाँ सिर्फ एक दो बच्चों की बात नहीं हो रही है, आपके सामने कमेंट देखिए, मेरे वीडियोज पर कितने कमेंट आए हैं, बच्चों ने पर्सनली ईमेल भी किया है। 50 ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। अब उनके माँ बाप उनको MBBS की प्रिपरेशन कराने से मना करते हैं, वो बोल रहे हैं कि बेटा तुम घर पे रहो, तुमसे नीट एग्जाम क्रैक नहीं होगा या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अब तुमको हम एक साल और दें, तुम एक साल और कोचिंग करो और घर से बाहर के प्रिपरेशन करो। फिलहाल के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके रिलेटिव्स में या कोई जानने वाला जो किसी गवर्नमेंट की अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप उससे रिक्वेस्ट करें कि बच्चों को न्याय दिलाया जाए। और ये एक दो बच्चों की बात होती तो मान लेते कि हाँ भाई गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया। 50 से अधिक बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बच्चे काफ़ी निराश हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे भाई कुछ प्लीज़ ऐसा करिए जिससे इन बच्चों को न्याय मिल सके और उनका सपना जो है MBBS करने का वो साकार हो सके। जिन बच्चों के एक्चुअल मार्क्स उनको मिल गए हैं उन सभी को बधाई, बट जिन बच्चों के मार्क्स नहीं मिले हैं उनके साथ हमारी संपत्ति है। आप सभी से रिक्वेस्ट है किसी का मजाक ना बनाएं और अगर सपोर्ट ना करें तो उनको भी डिसअपॉइंट ना करें। थैंक यू सो मच।